हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। ये जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, खतौनी में जो कि हेक्टेयर में डाटा दिया गया 0.7050 हेक्टेयर ज़मीन है। अब इसको हमें बदलना है बीघे में, बिस्वा में, एकड़ में। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना भी रखे हैं। हर एक स्टेट वाइज, जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं, आप राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड हैं, उत्तराखंड हैं, यानी उत्तर प्रदेश से लेके आपके जितने भी भारत में राज्य हैं, 28 राज्य हैं, सभी राज्यों पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उस पर मैंने बहुत सारे जमीन संबंधित डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा। इसी कड़ी में आज बात करूँगा खतौनी में, क्योंकि खतौनी में जो होता है वो डाटा किस में होता है, हेक्टेयर में होता है, और लोगों को जानना होता है बीघे में, बिस्वा में, कनाल में, मरला में, सिरसई में। तो ये सब कैसे कन्वर्ट होता है और ये वैल्यू कहाँ से आती है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही डीपली मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। चाहे आप राजस्थान से हों, आपके लिए अलग वीडियो मिलेगा, मध्य प्रदेश से हों, आपके लिए अलग वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। लेकिन ये जो प्रश्न आया है, ये कमेंट आया था कि ये फ्रेंड्स का, सर इस पर वीडियो बनाइए और पूरे डिटेल में समझा दीजिए, ताकि हमें बार बार वीडियो ना देखना पड़े। और बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो बनाते हैं लेकिन पूरी जानकारी नहीं देती हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस पर मैंने एक अलग से भी चैनल बना रखा है, जिस पर मैंने आपको बताया है मनुष्यता लेक्चर्स और एक मनुष्यता ज्ञान, दो चैनल हैं जिस पर मैं सभी आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं जो आपके कमेंट आते हैं। तो वहां पे आप चैनल पर विजिट करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, और आपका कोई कमेंट आता है तो उस पर मैं वीडियो आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रश्न ज़रूर हो जो आपके मन में वो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खतौनी की। खतौनी किसे कहते हैं, जैसे कि आप उदाहरण तौर पर इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका सबका खाता होगा, आपने बैंक में जाके खाता खुलवाया होगा, और खाता खुलवाया होगा तो उस समय आपको एक पासबुक मिली थी। क्या मिली थी? पासबुक। जैसे कि आपके पैसे के लेन देन, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस ब्रांच में आपका खाता खुला है, सारा डाटा उस बैंक की पासबुक में रहता है। उसी प्रकार से आपके खेतों का, ज़मीन का जो डाटा होता है वो आपकी खतौनी में होता है। खतौनी मतलब होता है खाता। अब इसका भी खाता नंबर होता है, ठीक है, खतौनी का खाता नंबर होता है। जैसे कि आपने ऑनलाइन खतौनी डाउनलोड की है, इसमें खतौनी भी दो प्रकार की होती है। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, खतौनी दो प्रकार की होती है, एक उद्धरण खतौनी होती है, एक अप्रमाणित खतौनी, जो कि अउद्धरण खतौनी। जो अप्रमाणित खतौनी होती है वो खतौनी आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं ये वीडियो, उसमें भी आप अपनी खतौनी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। और जो उद्धरण खतौनी होती है वो आपका सरकारी खतौनी होती है, यानी डाटा आपको सिर्फ आपके तहसील में मिलेगा और प्रमाणित वो होती है। उसका किसी भी, जैसे कि जमीनी संबंधी विवाद है या कोई आपको जानकारी लेनी है, वहाँ पर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जो ये अप्रमाणित खतौनी होती है, जो नेट से आप साइबर कैफे से निकलवाते हैं, इसको आप किसी भी दस्तावेज के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपकी ज़मीन कितनी है, कितने लोगों के नाम है, किसी प्रकार का उसमें केसीसी लिया हुआ है, या किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है, या किसी मृतक का, जैसे कि आपके फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया है, उनके नाम ज़मीन थी, अब उनके पुत्र के नाम चढ़ी कि नहीं चढ़ी, उनका नाम उस खाते में आया कि नहीं है, तो ये बाकायदा सारा कुछ आप यहाँ से, जो कि अप्रमाणित खतौनी होती है, उसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैं आपको बहुत लंबा वीडियो ना बना के आपको सीधे मुद्दे पर लाता हूँ और इसकी वैल्यू आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हेक्टेयर की बात करते हैं। तो हेक्टेयर जो होता है, ये आपका एक हेक्टेयर की वैल्यू जो होती है, सिंपल अगर यहाँ पर समझें, एक हेक्टेयर जो होता है वो आपका 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। यानी एक हेक्टेयर को हम कह सकते हैं 10,000 वर्ग मीटर। अब वहीं पे इसको मैं आपको बीघे में बदल के बताऊंगा कितना वैल्यू इसकी आने वाली है, ठीक है, तो ये आप वहाँ से भी समझ पाएंगे। तो सिंपल अब यहाँ से आप समझिएगा कि एक हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है, 10,000 वर्ग मीटर। वहीं अगर हम एकड़ की बात करें तो 2.471 एकड़ के बराबर होती है, ठीक है, एक एकड़ के बराबर होती है 2.47 एकड़। वहीं अगर हम डिसमिल की बात करें तो 247.1 डिसमिल के बराबर होता है। अब डिसमिल क्या होता है, ये भी एक प्रकार से आपको खेतों का क्षेत्रफल बताने की इकाई है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं
एयर में कितनी होती है, तो ये 100 एयर के बराबर होती है। कितना होती है? 100 एयर के बराबर। वहीं अगर बीघे में बात करते हैं तो ये आपका 3.95 बीघा होता है। ठीक। और वहीं अगर हम बिस्वा की बात करते हैं तो ये 79 बिस्वा होता है। ये तो बात रही आपकी हेक्टेयर की, कि अगर हेक्टेयर में आपका खेत का क्षेत्रफल है, जैसे कि हेक्टेयर में यहाँ है, तो इसको आप डायरेक्ट वर्ग मीटर में बदल सकते हैं, एकड़ में बदल सकते हैं, डिसमिल में बदल सकते हैं, एयर में बदल सकते हैं, बीघे में और बिस्वा में। ये तो रहा, आप डायरेक्ट इसको बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 0.0 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप समझिएगा 0.7050। ठीक है, अब इसको आपको बीघे में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 3.95 से गुणा कर दीजिए, तो डायरेक्ट वैल्यू किस में निकल के आएगी? बीघे में आएगी। ठीक, जितना भी हेक्टेयर में है उसको आप 3.95 से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आपका जो कि बीघे में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जो वीडियो जो कमेंट आया था वो राजस्थान से आया था। कहाँ से आया था? राजस्थान से आया था। अब आप राजस्थान से हैं तो आपको समझना है कि इसको बीघे में वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो वैल्यू सेम ही प्रयोग की जाती है, वो होती है आपकी एक बीघा बराबर, यानी एक बीघा को हम कह सकते हैं 27,225 वर्ग फुट। क्या कहते हैं? 27,225 वर्ग फुट कहा जाता है एक बीघे को। अब बीघा भी होता है, एक कच्चा बीघा होता है, एक पक्का बीघा होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब बीघे की वैल्यू ये आपका हो गया, क्योंकि बीघा जो होता है वो एक सरकारी डाटा में नहीं यूज होता है, लेकिन गांव की बोलचाल भाषा में से बीघा में लोग ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा समझते हैं। लेकिन आपका जो लेखपाल होता है, पटवारी होता है, वो आपको बता सकता है, लेकिन आपके सरकारी दस्तावेज में आपका जो ये बीघा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक। अब एक बीघे के वर्ग मीटर में अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 2529.28 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये वर्ग फुट से वर्ग मीटर में चेंज किया है, सिंपल है, कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे होगा? एक जो आपका एक वर्ग मीटर जो होता है, एक वर्ग मीटर बराबर का 10.7639 वर्ग फुट होता है। ठीक, एक वर्ग मीटर में आपका 10.7639 वर्ग फुट होता है। तो सिंपल, अगर आप 27,225 में 10.7639 से आप भाग करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ याद करने के लिए, समझाने के लिए बताया है कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। अब एक बीघा में आप 3,025 वर्ग फुट कह सकते हैं, वर्ग गज कह सकते हैं, यानी एक बीघा में आपका 3,025 वर्ग गज होता है। ठीक, अब ये वैल्यू आप पूछेंगे कहाँ से आई है, तो ये भी आप सिंपल समझ लीजिएगा। एक वर्ग गज बराबर आपका 9 वर्ग फुट के बराबर होता है। एक वर्ग गज में आपका 9 वर्ग फुट होता है, तो इस वैल्यू में आप 9 से भाग कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसको समझिएगा कि 0.7050 हेक्टेयर ज़मीन है, इसको हमको बीघे में बदलना है। ठीक, आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से या राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है ये आप ध्यान रखना है, 0.75050। ठीक है, इसमें आप 10,000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक हेक्टेयर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 10,000 वर्ग मीटर। क्या बताई थी? 10,000 वर्ग मीटर। तो 0.7050 में आप 10,000 से गुणा कर दीजिएगा, ये आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है, उससे आप गुणा कर दीजिएगा। जैसे गुणा करेंगे ये वैल्यू निकल के आएगी 7,050। ये किस में आएगी? वर्ग मीटर में आएगी। ठीक, ये किस में आएगी? वर्ग मीटर में। अब तो ये आपके खेत का क्षेत्रफल निकला है, सिर्फ हेक्टेयर को हमने किस में बदला है? वर्ग मीटर में। अब एक बीघे की वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने आपको बताया 2529.28 वर्ग मीटर। तो सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, जो वैल्यू वर्ग मीटर में आई है उसमें आप 2529.28 से भाग कर दीजिएगा। क्या करेंगे? भाग करेंगे। सबसे पहले सुनिए क्या करेगा, 0.0 जो भी हेक्टेयर में ज़मीन है उसमें आप 10,000 से गुणा करेंगे। ठीक, 10,000 से गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आप 2529.28 से भाग कर दीजिएगा, बीघे में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एक बीघे की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि आपके यहाँ कितना चल रही है, वो आपका लेखपाल या पटवारी बता सकता है।
ठीक। तो सिंपल यहाँ पे निकल के आया 7050, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 2529.28 से भाग। जैसे इसको आप भाग करेंगे, ये वैल्यू कितने निकल के आएगी, यहाँ से देखिएगा, ये निकल के आएगी 2778354, ये बीघे में आएगी, यानी इतना बीघा हो गया आपका जमीन, मतलब 2 बीघे से ज़्यादा है, 3 बीघे से कम है। कितना है, 2 बीघे से ज़्यादा और 3 बीघे से कम, क्योंकि यहाँ पे अगर 7 की जगह पूरा 0 हो जाता, इधर 1 आ जाता, तो ये 3 बीघा हो जाता, 3 बीघे से कम है। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि 3 बीघा से कम है, ठीक है। अब बिसवा में समझ लीजिए, 1 बीघे में 20 बिसवा होता है, तो सिंपल आपका 0., यानी 2 हटा देंगे, 2 2 पूरा बीघा हो गया, 7873544, ये किस में है, बीघा में है। इसका मतलब दशमलव के बाद वाली भी वैल्यू बीघा में है, तो सिंपल आप 20 से गुणा कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट जाएगा, बिसवा में, जो कि लगभग आपका कितना आएगा, इसमें आप 20 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 15.7470 बिसवा। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि खेत का क्षेत्रफल 2 बीघा 15 बिसवा है, लेकिन 15 बिसवा से भी आपका ज़्यादा है, क्योंकि 15 बिसवा तो पूरा पूरा है, लेकिन दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे 74 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका धूर में भी जाएगा, कि 1 बीघे में 20 बिसवा और 1 बिसवा में 20 धूर होता है। तो दशमलव के बाद जो वैल्यू आई है उसमें भी आप 20 से गुणा करेंगे, यानी 20 से आप गुणा करेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा 0.74 और कितना है, 70, इसमें आप 20 से गुणा करेंगे तो ये आपका 14.89 के समथिंग जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि 2 बीघा 15 बिसवा लगभग आपका 15 धूर के बराबर जमीन हो जाएगी। और कच्चे बीघे में बदलना है, तो जो वैल्यू आपकी निकलेगी थी, 1 पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता है, तो 2.78 जो वैल्यू निकली थी उसमें आप 3 से डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो ये कच्चा बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से जाना चाहते हैं या आप इस तरह से जाना चाहते हैं, वो आपका च्वाइस है, बशर्ते जो डाटा एक्यूरेट आता है वो आपका इस वाले प्रोसेस से आता है, यानी आप इसको वर्ग मीटर में चेंज करिए, फिर उसको आप बीघे में कन्वर्ट करिए, आसानी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये 2 चैनल की मैंने लिंक डाल रखी है, जिसका नाम है एक मनुष्यता लेक्चर्स, एक है मनुष्यता ज्ञान। दोनों चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि मैं अभी सब सारे वीडियो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके कमेंट पर, वो आपको उसी चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई मन में प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।